मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक्मी घाट दरभंगा। मिथिलांचल में दांत मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ा और अति पिछड़ा के छात्रवृत्ति रोकने के खिलाफ जदयू का लड़ियासराय टावर पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दोबारा चयन होने पर खराजपुर पंचायत में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। प्रत्येक शनिवार को लगने वाले थाना पर सीओ और थाना प्रभारी की जनता दरबार में कई समस्या का हुआ निदान। दरभंगा नगर आयुक्त के आदेश के बाद मुख्य नालों की सफाई बरसात से पहले के लिए तैयार में जुटे एक सफाईकर्मी। दरभंगा एम्स निर्माण में संजय झा की भूमिका को लेकर के डीएमसीएच में आईएमए ने किया सम्मानित। दरभंगा के प्रेक्षागृह में नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता को लेकर हुआ बड़ा कार्यक्रम। दरभंगा सर्वे कार्यालय से दो वर्ष के बाद जा रहा है सारा रिकॉर्ड समस्तीपुर पहुंचे सीओ लेने के लिए। दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक आने के बाद बदली स्थिति, कई बार कहने के बावजूद भी बंद रहा डिजिटल एक्सरे। दरभंगा में एम्स निर्माण और डीएमसीएच बचाने को लेकर के संजय झा जल संसाधन मंत्री की पहल पर एम्स शोभन में कैबिनेट की प्रस्ताव की मंजूरी के बाद अब दरभंगा आईएमए डॉक्टर एसोसिएशन ने आज डीएमसीएच के अतिथि गृह में संजय झा को आमंत्रित करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इन लोगों ने कहा कि संजय झा ने अपनी भूमिका से न सिर्फ डीएमसीएच को बचाया बल्कि डीएमसीएच के लिए एक विस्तृत जगह भी मिला, जिससे अब डीएमसीएच बड़े पैमाने पर मरीजों के लिए कार्य कर पाएगा। वहीं डीएमसीएच के कॉस्ट पर एम्स निर्माण से अलग होकर अब एम्स को शोभन में मंजूरी दिए जाने के बाद सभी खुशी जाहिर की। कितना एम्स हो इसका तो कोई विरोध नहीं कर रहा था, एक परसेप्शन बनाया गया कि डॉक्टर फेटर्निटी शायद नहीं चाहते, लेकिन बात बिल्कुल गलत बात थी। एम्स हो लेकिन एम्स डीएमसीएच के कॉस्ट पे हो, ये कौन सा लॉजिक है? ये बात इतनी कि डीएमसीएच रहे लेकिन एम्स भी अगर डिसाइमेंटेनिटी बन जाए, बिल्कुल उसी हिसाब से काम चल रहा है। एवं सांसद के नेतृत्व में नमामि गंगे दरभंगा के तमाम नदियों एवं तालाबों को स्वच्छ एवं संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गंगा दूतों ने भाग लिया और सभी ने शपथ ली कार्यक्रम के माध्यम से कि पूरे दरभंगा के तालाबों को स्वच्छ करने की दिशा में पहल करेंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी सहित अन्य नेतागण मौजूद थे। सभी ने काफी श्रद्धा एवं महत्वपूर्ण भागीदारी इस कार्यक्रम में निभाई। युवा केंद्र के द्वारा हमारे दरभंगा जिला के 18 प्रखंड से हजारों गंगा दूत गंगा मैया को स्वच्छ रखने के लिए, गंगा से जुड़ा हुआ सहायक नदी को स्वच्छ रखने के लिए आज एक हमारे दरभंगा में हजारों युवा साथी एक रैली के माध्यम से नगरवासियों और शहरवासियों को आह्वान कर रहे हैं गंगा स्वच्छ रखने के लिए, गंगा से सहायक नदी को स्वच्छ रखने के लिए आह्वान किया आगे आवे। कहाँ कहाँ जाएगी यह रैली? दरभंगा पर्यवेक्षक गिरी से हजमा चौराहा चौक, हजमा चौराहा से दरभंगा लड़ियासराय टावर, लड़ियासराय टावर से कोच परिसर होते हुए फिर पर्यवेक्षक गिरी में आएंगे और दिन भर का सेशन है वहाँ पे जिला सम्मेलन में।
दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लहरिया सराय टावर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए कहा गया कि पूरे देश स्तर पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति रोकने के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक फिराज फातमी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अपने स्तर से इसे लागू किया, लेकिन प्रधानमंत्री इसे रोक दिए हैं। देखिए, अभी आज का जो धरना था और आज का जो पुतला था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमने उनका आज पुतला दहन किया है। ये जनता दल यू बिहार यूनिट के जनता दल यू के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पे आज इस आह्वान को किया गया। हम ये चाहते हैं जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक यशस्वी योजना के तहत जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन दोनों का आज जो छात्रवृत्ति है अपने उस योजना में 1 से 8 पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स का छात्र एवं छात्राओं का आज छात्रवृत्ति बंद कर दिया है। इसके खिलाफ ये जबकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर अपने मिनिस्ट्री के जरिए जो उनका पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि हम अपनी तरफ से इन बच्चों को हम अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। दरभंगा के खराजपुर में दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवन सहनी 3 वर्ष के बाद एक बार फिर चुने गए हैं। जिलाध्यक्ष पुनः चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। खराजपुर में मुखिया प्रतिनिधि अभयनाथ मिश्रा के साथ अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा था, आज वो मेरा कर्तव्य बना। पिछले कर्म में हमने भरसक प्रयत्न करके पार्टी के सेवा को देने का काम किया और उस सेवा को मांग कर करके पार्टी ने पुनः मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए दोबारा मुझे पार्टी का जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दोबारा बनने पर जीवन साली जी को बधाई देने के लिए और अपने पंचायत में बुलाकर अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम किया गया। जिला किया गया है, आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए अच्छा काम करेंगे कि हम लोग आशा और विश्वास के साथ ये हमारे विधानसभा के नागरिक हैं, हम लोग अति उत्साहित है उत्साह बढ़ाए। दरभंगा SSP के निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्र के जमीन से संबंधित विवादों को निपटारा करने के लिए सभी थाना पर CO एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में जनता दरबार एवं निपटारा के लिए आयोग लगाया जाता है। आज बहादुरपुर एवं लहरियासराय थाना पर CO बहादुरपुर एवं थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से जमीनी विवाद के हल करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर CO ने सभी कागजातों की बारीकी से जांच करते हुए संबंधित थाना को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया है। सफाई के लिए नगर निगम बोर्ड में भी आवाज उठी थी। इसके बाद नगर आयुक्त के आदेश के बाद दरभंगा के सभी मुख्य नाले की सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। गौरतलब है कि वार्ड 37 में यूसुफगंज से लेकर करमगंज तक के मुख्य नाले की सफाई में आज सुबह से ही कर्मी को जुटे देखा गया। इसके बाद यहां जोन प्रभारी भी इसकी खुद निगरानी करते हैं। सफाई कर्मी के द्वारा मुख्य नाले की सफाई हो रही है, युद्ध स्तर पर सर साहब भी आते हैं, वार्ड पार्षद महोदय भी आते हैं और जोन प्रभारी भी आते हैं, सब जा करके देख रेख करते हैं और उनके नेतृत्व में कार्य चल रहा है। मार्ग का नाला की सफाई यूसुफगंज से शुरू होकर मोहल्ला करमगंज चौक मुखिया चौक तक जाना है।
दरभंगा के सर्वे कार्यालय में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर का सारा जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे अब अलग अलग जिलों में वापस भेजा जा रहा है। इसी क्रम में समस्तीपुर से सीओ आए, जहां करीब एक ट्रॉली सारा रिकॉर्ड लेकर के समस्तीपुर ले जाया जा रहा है, ताकि इस सभी का रिकॉर्ड वहां सुरक्षित हो एवं वहां की जनता को अगर अपनी जमीन के विषय में रिकॉर्ड या कागजात लेना हो तो सीओ कार्यालय उपलब्ध करा सके। से लेकर के आज सारा रिकॉर्ड जाते देखा गया है। रिकॉर्ड सुरक्षित है, चेक किए हैं कि फटा हुआ है। वही जो जिस हालत में है उस हालत में जाएंगे। इसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा तो फिर जाएगा तो। आउटडोर का एकमात्र नया लगने वाला डिजिटल एक्सरे लगातार खराब रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। गरीब जब डीएमसीएच में इलाज कराना आते हैं तो आशा होती है कि यहाँ बिना पैसा का ही डिजिटल एक्सरे होगा, लेकिन यहाँ खराब लगातार होने के बाद यहाँ डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है कि आप बाहर ही जाकर एक्सरे कराएं। गौरतलब है कि इसमें मुफ्त में मरीजों को एक्सरे होता है। क्या हुआ, एक्सरे चालू है? रूम नहीं बंद है, कोई काम ही नहीं था। कल भी आए थे तो नहीं हुआ था, बोला गया था मशीन खराब है। कितना बजे से बंद है? हम कल आए थे तो खराब खुला हुआ था। आए थे वही हम 1 बजे में आए थे तो क्या बोला गया? बोला खराब है, नहीं काम कर रहा है, जाइए। फिर आज भी आए हैं, वही मेरा 2 पर्ची है एक्सरे का और दूसरा पर्ची है, लेकिन यहाँ काम ही नहीं हो रहा है, कोई सुविधा ही नहीं है। तो क्या चाहते हैं, क्या अब कहाँ करवाइएगा? अब तो बाहर ही कराना पड़ेगा, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। क्या चाहते हैं? हमको अब यहाँ पे करवाना है मुझे, उसके लिए पैसा नहीं रहता तो बाहर नहीं जाते। क्या बोला गया बताया कि अगर नहीं होगा यहाँ पे खराब होगा तो बाहर से करवा के लाइएगा, तो बाहर जाना रहता तो यहाँ पे क्यों आते हैं?